कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे दुनिया के हर हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और इससे अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो ने शनिवार को इमरजेंसी घोषित कर दी। गवर्नर क्यूओमो ने कहा कि न्यू रोशेल में हालात बिगड़ने लगे हैं और जल्द ही यह आंकड़ा सैकड़ों लोगों को अपनी जद में ले सकता है। वेस्टचेस्टर काउंटी में 57 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और अमेरिका में 19 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है।